भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा कि लोगों में जीएसटी एवं नोटबंदी को लेकर गुस्सा है और ये बात साफ है कि गुजरात विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महज चुनाव नहीं बल्कि एक चुनौती है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर आयोजित पैनल चर्चा में सिन्हा ने तिवारी के साथ मंच साझा करते हुए आर्थिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों का बचाव किया और कहा कि अगर एक वकील वित्तीय मामलों की बात कर सकता है, अगर एक टीवी अभिनेत्री मानव संसाधन विकास मंत्री बन सकती है और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं अर्थव्यवस्था की बात क्यों नहीं कर सकता। हालांकि भाजपा नेता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व में एचआरडी मंत्री रही मौजूदा सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। सिन्हा ने यह भी कहा कि वह अपनी पार्टी को चुनौती नहीं दे रहे बल्कि भाजपा के और राष्ट्रीय हित में उसे आईना दिखा रहे। उन्होंने कहा, जीएसटी नोटबंदी बेरोजगारी को लेकर लोगों में गुस्से को देखते हुए मैं यह नहीं कहना चाहता कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर यह चुनाव एक विशिष्ट चुनौती होने जा रहा है। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।